देखिए महापंचायत में मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दिया गया है और ये जरूरी है हमारे देश के लिए। और जो हमारे देश के मौजूदा मुद्दे हैं ना, उनको दबाने के लिए नू मेवा जगह इस तरीके की चीजें की जा रही है। अब आप मीडिया वालों का, हम जैसे लोगों का क्या काम है कि शांति, भाईचारे, मोहब्बत की अपील करें। अब देखिए मंच से भी ऐलान हो गया है, आप भी समझ गए होंगे कि क्या होना है आने वाले समय में। हम भाईचारे मोहब्बत का पैगाम लेकर के डॉक्टर चलाएंगे और इस देश में मोहब्बत का झंडा परचम लहराएंगे। मैं उस एक एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानती हूँ जिसकी मानसिकता खराब है, जिसने लड़ाइयाँ उकसाई हैं, जिसने नूह मेवात में दंगे कराए हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। किसी भी शख्स ने अगर इस तरीके की हरकत किया, मैं सबको जिम्मेदार मानती हूँ। पूरी जनता जो है नूह मेवात की भोली भाली, उन्होंने खामियाजा भुगता इस चीज का। देखिए हम अपने ट्रैक्टर पर झंडे, हिंदुस्तान का झंडा और मोहब्बत का झंडा लगा करके आएंगे 28 तारीख को। आप और हम दोनों यही सड़कों पर होंगे और भाईचारे की और मोहब्बत की मिसाल जो है उसको परचम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जनता के जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं और भाईचारे को हिंदू मुस्लिम के खराब जो किया जा रहा है इस तरीके के लोगों के द्वारा, उसके लिए पंचायत की गई है। और आने वाले समय राजस्थान में सरकार चुनाव है, जो होगा आप लोगों पर निर्भर करता है। आप लोग समझ गए हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि बी टीम भी निकल करके आती है, बहुत से वोटों को बांट लेती है। अभी जिक्र कर रहे थे, चर्चा में थे, ये लोग बता रहे थे ना, तो वही इस चीज का शिकार ना हो, कोई वोट ना बांटे। अभी मैं बात करूंगी आपसे, मेरा निवेदन है उनसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जिस तरह से मंच अभी चल रहा है, मंच के बाद आप लोगों से बातचीत की जाएगी और आप देख सकते हैं लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पहुंची, हजारों को नहीं लाखों लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुबह से प्रोग्राम जारी है और सुबह से आप लोगों का कहता यहाँ लगा हुआ है, लगातार लोगों की जो बातें हैं उनको भी सुन रहे हैं। और राकेश टिकैत जो यहाँ पहुंचे हैं, किसान नेता है, गुरनाम चढ़ूनी, सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल है, साथ ही पूनम पंडित और हर्ष चिकारा जो समाज सेवी है, वो लोग भी यहाँ पहुंचे और भी अनेकों चेहरे आपको इस स्टेज पर नजर आएंगे। कई पार्टियों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और हम कह सकते हैं IMI पार्टी से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। सभी पार्टियों से लगभग पार्टियों के लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया है। लगातार ये जो महापंचायत की गई है, किसानों की एक बड़ी पंचायत थी, महापंचायत थी, जिसमें किसानों की जो मांगे थी, मुख्य लगातार मांगे थी, उनको लेकर जो सरकारें नहीं सुन रही थी, उनका कहना है कि सरकारों को सुनना होगा। इस तरह की महापंचायत जो आज की गई है, वो किसानों की दबी हुई बातों को उनको उठाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो विवाद हिंसा हुई उसको लेकर भी भाईचारा कायम करने की सबसे बड़ी बात ये निकल कर इसमें सामने आई कि जो 28 तारीख को नूह में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो वहीं पर किसान भी ट्रैक्टर निकालकर वहां पर यात्रा निकालेंगे। समय अपना होगा, टाइम अपना होगा और जहां जगह भी अपनी होगी, ये सारी बातें तय की गई। राकेश टिकैत जी का कहना है कि 28 तारीख को हम लोग भी ट्रैक्टरों पर नजर आएंगे। चलिए लगातार आप हमारे साथ देखते रहे DTV कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ, मैं आपका अपना जो गोरी, धन्यवाद।